नई तकनीक ने सोना उपजाया, उन्नत बीज से जादू है छाया। कम पानी में फसल लहराई, सुख समृद्धि ने ली अंगड़ाई। अब तो मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि किसान भाई खेती के विभिन्न रूपों, तकनीकों और विधियों से लगातार वाकिफ होते रहे, उनका फायदा उठाते रहे। किसानों की जड़ें जैविक खेती में छिपी हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे जैविक खेती को अपनाकर किसान अपनी जमीन को फायदा पहुंचा सकता है। भारत में जैविक खेती के विकास ने किसानों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के संदूषण के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में बढ़ती हुई चेतना ने पिछले 5 वर्षों के दौरान जैविक खेती को फिर से लोकप्रिय बनाने में भारी योगदान दिया है। हरित क्रांति के बाद से ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज उपज उस अनुपात में प्राप्त नहीं होती है। घटती उपज और मिट्टी की उर्वरकता में आ रही कमी के कारण पूरी दुनिया में प्रकृति से जुड़ी जैविक खेती एक सार्थक विकल्प बनकर उभरी है। लेकिन जैविक खेती या कहीं प्राकृतिक खेती, इसके विषय में किसानों को जागरूक करना और जैविक खेती से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना एक बड़ी चुनौती है। सघन कृषि पद्धति, रासायनिक खेती आदि ने हमें खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर तो बनाया है, लेकिन जहां फसलों में करीब 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वहीं हरित क्रांति के समय सिर्फ 3 पोषक तत्वों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को ही खेती का आधार समझा गया और मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो गया। जैविक खेती में सबसे आवश्यक है मिश्रित खेती, जिससे एक फसल दूसरी फसल के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति करती है, कीटों और रोगों के प्रकोप को नियंत्रित करती है और मिट्टी को उर्वर बनाती है। यानी हरित क्रांति से सदाबहार हरित क्रांति की ओर ले जाने का सबसे उचित उपाय जैविक खेती ही है। जैविक खेती प्रकृति के साथ उसकी उत्पादन व्यवस्था को समझकर जीने का एक तरीका है। इसमें मुख्य रूप से हमें प्राकृतिक नियम को ही देखना समझना है। जैविक खेती में विभिन्न फसलों के चक्र की पूरी कृषि प्रणाली ही प्रकृति के तालमेल से बनाई जाती है। जैसे खाद्यान्न फसल के साथ दलहनी फसल की सहफसलीय खेती, जैविक खेती का आधार ही मिश्रित खेती है, जिसमें एक एकड़ में कई फसलें एक साथ ली जाती हैं, जिससे प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि होती है और आमदनी में इजाफा होता है। एक वर्ष में हम 9-10 फसल से ज्यादा भी ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें बहुफसली फसल प्रणाली का एक मानचित्र बनाने की जरूरत है, जिसमें अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी या इमारती लकड़ी, इन सभी को हम अपने मानचित्र में तय कर लें कि किस मौसम में किस समय पर किस फसल को लगाया जाना है। पूरी विधा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के सामंजस्य व उनके एक दूसरे पर आधारित होने के कारण इससे न तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है और न ही पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान होता है। प्रकृति में सभी जीवों व तत्वों की भूमिका है और सभी के सहयोग से बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए खेती करना ही जैविक खेती है। खेती के 3 स्तंभ हैं। नंबर 1, देसी गाय, जो भारत में हमारे क्षेत्र के अनुसार देसी गाय का भगवान ने डिवाइडेशन किया है, और दूसरा है देसी केंचुआ, और तीसरा है सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु उसको खाना पका के और पौधे को देने का काम करता है। दूसरा जो केंचुआ है, वो मल्चिंग के द्वारा उसका अनुकूल माहौल मिल जाता है उसके लिए। वो जैसे ही उसे हम जीवामृत और घनजीवामृत ये सब खेत में लगाते हैं और मल्चिंग करते हैं, जमीन को एक तरह चलनी बना देता है। चलनी बनाने के बाद में उपजाऊ नीचे की जमीन ऊपर आ जाती है, ऊपर की, और ऊपर की कमजोर मिट्टी को नीचे ले जाता है।
जैविक खेती में फसलों की दूरी का नियम बेहद अहम है। अगर उचित दूरी होगी तो सूरज की रोशनी पर्याप्त मिलेगी, जिससे अच्छी बढ़वार भी होगी और कीट व रोग भी दूर रहेंगे। जैविक खेती में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की बजाय उनके समुचित उपयोग और प्रकृति से सामंजस्य बैठाकर खेती की जाती है। खरपतवार नियंत्रण एवं कीड़े बीमारियों के नियंत्रण में लगभग 80% कार्य प्रकृति स्वयं ही कर लेती है। वैसे इसमें जो कीट नियंत्रक यानी कि किसी कीट नाशक को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 10-20% ही कीट पतंगे या इस तरह के रोग या कीट आते हैं। उसके अलावा उन्हें रोकने का भी कीट नियंत्रक बनाते हैं हम, नीम का, तो नीमास्त्र जैसे बना करके हम उससे बिल्कुल तरीके से कीट को रोक देते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर जैविक खेती को परिभाषित किया जाए तो जैविक खेती कृषि की वो विधि है जिसमें मृदा को स्वस्थ व जीवंत रखते हुए केवल मिश्रित खेती, उचित फसल चक्र, जैविक खाद, जैव कीटनाशियों के प्रयोग से प्रकृति के साथ समन्वय रखकर टिकाऊ फसल उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में बाहर से लाए गए संसाधनों के स्थान पर ऐसी प्रबंधन प्रक्रिया को अपनाया जाता है जो उस स्थान विशेष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। असल में खेती के तरीके, हमारे बीज, सभी कुछ हमारी जलवायु के अनुरूप ही तैयार हुए हैं, लेकिन जब आधुनिक कृषि का तरीका अपनाया गया तो भू जल का अंधाधुंध दोहन हुआ और इसका बुरा प्रभाव पानी की कम होती उपलब्धता के रूप में सभी के सामने है। जैविक खेती और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की। इस योजना ने किसानों को खेती के लिए पर्यावरण हितैषी तरीके अपनाने और रासायनिक खादों पर उनकी निर्भरता को खत्म करके पूरी तरह से जैविक खाद को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें हमारा किसानों को ट्रेनिंग, उसके साथ में जो इनपुट प्रोडक्शन फॉर्म में बाहर से परचेज करने के लिए गाड़ी के लिए व्यवस्था की गई है, अपना वो ब्रांडिंग कर सकता है, अपना वो पैकेटिंग कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा जो आपको मालूम है कि जैविक में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि प्रमाणीकरण, तो इसमें प्रमाणीकरण की भी सुविधा दी गई है। इन कार्यक्रमों का एक ही मकसद है, किसानों को जैविक खेती से जोड़ना, जिससे न सिर्फ खेती की लागत में कमी आए बल्कि उनकी आमदनी में भी इजाफा हो। जैविक खेती में उत्पादन वृद्धि के लिए किसानों को बहुफसलीय प्रणाली को अपनाना होगा, यानी एक खेती में कई प्रकार की फसलें लेना। हम अपने खेत में जब अनेक प्रकार की फसलों को साथ साथ लगाते हैं तो हमारे में हर सतह पर, खेत में हर सतह पर उत्पादन दिखाई देने लगता है। इसी को हमने कहा मल्टी लेयर प्रोडक्शन सिस्टम। ये तो नेचर की एक विधा है। यदि किसान भाई इसको ठीक ठीक समझ लेते हैं तो जमीन के आयतन को देखकर, जमीन के घनत्व को देखकर हम खेती करेंगे तो हमारे उत्पादन मात्रा में भी बढ़ता है और इससे हमारा लाभांश भी बढ़ता है। क्षेत्रफल एक एकड़, फसल प्रणाली अपनाने का प्रारंभ काल तथा फसल प्रणाली अपनाने की अवधि 6 वर्ष से अधिक। मानचित्र के आधार पर ए वो क्षेत्र है जहां पर 1 वर्ष से कम अवधि की फसलों को मौसम के अनुसार लगाया जाता है। बी वो क्षेत्र है जहां पर गन्ना लगाया जाना है और साथ में लहसुन लगाया जाना है। सी क्षेत्र में अमरूद या आम या केला व पपीता लगाएं, फलों से खाद्यान्न की तुलना में आमदनी भी कई गुना अधिक होती है। डी क्षेत्र में लाइन से बकायन के पौधों को लगाएं तथा 1 एकड़ खेत की सीमा पर भी बकायन के पौधे लगाएं। प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था घनाकार में विविधता पूर्वक होनी चाहिए और इस प्रकार की बहुफसलीय प्रणाली का मानचित्र किसानों को अपने क्षेत्रीय वातावरण के अनुसार तैयार करना चाहिए। प्रकृति में एक फसल पैदा करने का कोई नियम ही नहीं है और इससे बड़ा नुकसान ये होता है कि जैव विविधता की कमी होने से प्राकृतिक रूप में भूमि की उर्वरता के संवर्धन का जो नियम है, जिसमें जमीन का कार्बन कंटेंट ठीक हो, पीएच वैल्यू ठीक हो, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ठीक हो, कुल रूप से देखें तो उसकी भौतिक और रासायनिक संरचना ठीक हो, यही प्रकृति का उर्वरता का नियम है धरती का। किसानों को उत्पादन लागत तैयार करने व उत्पादन कार्य के साथ साथ प्रसंस्करण करना भी आवश्यक है।
प्रसंस्करण एक मूल्य संवर्धन उपाय है, मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है और पूरे परिवार के लिए साल भर रोजगार का भी सृजन होता है। उत्पादन का आर्थिक विश्लेषण किसानों के लिए समझना भी बहुत जरूरी है। जैविक खेती में किसान अपनी समझ और श्रम से बाजार आधारित लागत को 80% तक कम कर सकते हैं। जैविक खेती में किसान स्वावलंबी रहते हैं तथा बाजार की अनिश्चितता तथा मौसम के बदलाव का भी दुष्प्रभाव उन पर कम पड़ता है। उत्पादन का प्रशोधन व प्रसंस्करण करने से मूल्य संवर्धन 25% से 60% तक आसानी से बढ़ जाता है, यानी आमदनी में 25 से 60% तक का इजाफा। जैविक खेती की विधि से 1 एकड़ में 5 से 10 लाख रुपए तक आमदनी होने की संभावना है, जबकि सघन या कहीं आधुनिक खेती में लगभग 50,000 से 90,000 रुपए की आय होती है। आज भारत में अलग अलग कारणों से जैविक खेती को अपनाया जा रहा है। जैविक खेती को अपनाने वाला पहला वर्ग वो है जो ऐसे क्षेत्रों में बटा है जहां परंपरागत तरीके बिना किसी निवेश या बहुत कम निवेश से खेती की जाती है। दूसरा वर्ग वो है जिन्होंने पारंपरिक रसायन आधारित कृषि के प्रतिकूल प्रभावों के कारण जैविक खेती को अपनाया है, और तीसरा वर्ग वो है जिन्होंने इसके व्यावसायिक पहलू को समझा और बढ़ती बाजार मांग के कारण इसे अपनाया। जैविक खेती का प्रचार प्रसार करने के लिए PGS यानी सहभागिता गारंटी प्रणाली को अपनाया जा रहा है। सहभागिता गारंटी प्रणाली के समूह सदस्य लघु जोत किसान या उत्पादक एक ऐसी स्थिति में एक दूसरे की उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन, निरीक्षण व जांच कर सम्मिलित रूप से पूरे समूह की कुल जोत को जैविक प्रमाणीकृत करते हैं। एक किसान को 40,000 से लेकर 80,000 तक का पैसा खर्च करना पड़ रहा था। हर किसान हमारा जो है इतना सक्षम नहीं कि जो इतना पैसा दे सके। जो हमारा PGS सिस्टम है इसमें हर साल लोगों मिल जाता है। दूसरी उसमें व्यवस्था की गई कि किसान अपने आप समूह बना सकता है, वो समूह अपने आप रजिस्टर कर सकता है, अपने आप लोड करिए डाटा आपका जो है उसको फीड करते जाइए, प्रमाणीकरण अपने आप मिल जाता है। जैविक खेती का जो दीप आज किसानों ने जलाया है वो यकीनन आने वाले समय में विकास के नए रास्ते तय करेगा। जैविक खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रहती है। धीरे धीरे किसान आर्थिक रूप से मजबूत होकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है। आज भारत का किसान जैविक खेती को अपनाकर एक ऐसी जमीन तैयार करने में सफल होगा जहां वो अपने सपनों की बेहतर फसल पैदा कर सकते हैं। केरल समुद्र से निकला हुआ एक भूभाग, खूबसूरत तटों और नदियों का प्रदेश। मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। भाई जैविक खेती सच में आज हमारी जरूरत बनती जा रही है। दोस्तों आज बहुत से किसान बागवानी कर रहे हैं और बेहतर जीवन जी रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे केरल के स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में। केरल समुद्र से निकला हुआ एक भूभाग, खूबसूरत तटों और नदियों का प्रदेश, सघन वन, सुंदर मनोरम प्राकृतिक छटा, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। अपनी इन खासियतों के साथ ही कुछ और चीजें भी हैं जो केरल को विश्व के मानचित्र पर खास बनाती हैं। यहाँ मसालों की खेती भरपूर होती है और केरल से ये मसाले पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। कला और संस्कृति से भरपूर केरल वासियों के लिए कृषि एक अहम काम है और यही वजह है कि राज्य सरकार कृषि को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार काम करती है।
बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ही राज्य में राज्य बागवानी मिशन की स्थापना की गई थी। राज्य बागवानी मिशन केरल राष्ट्रीय बागवानी मिशन अर्थात बागवानी के समन्वित विकास भारत सरकार की एक इकाई है। राज्य बागवानी मिशन केरल मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान जिनके खेतों के खंडित जोत हैं उनके उत्थान और बीज से बाजार तक काम कर रहा है। 2005-2006 में स्थापित राज्य बागवानी मिशन की स्थापना के पीछे कुछ खास मकसद थे। क्षेत्रीय आधार पर संपूर्ण रूप से बागवानी को बढ़ावा देना, इसके लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए जमीन तैयार करना, बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए बागवानी करने वालों को पोषण, सुरक्षा और वित्तीय सहायता मुहैया कराना, बागवानी के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के बीच तालमेल बनाना, इन सब के साथ साथ राज्य बागवानी मिशन का एक अहम मकसद है कुशल और अकुशल बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। भारत पूरी दुनिया में बागवानी उत्पादन में अहम देश माना जाता है। चीन के बाद भारत फल व सब्जी उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर है और मसालों के उत्पादन में हम पहले नंबर पर हैं। इसी दौर में भारत का बागवानी उपज निर्यात भी बढ़ा, लेकिन राज्य बागवानी मिशन ने इस क्षेत्र में विकास की और संभावनाएं देखी। बागवानी में नई नई प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाया गया। किसानों की बाजार तक सीधी पहुंच ने बिचौलियों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई और जाहिर है इसने किसानों के मुनाफे को तो बढ़ाया ही। हमने विपणन का एक तंत्र बनाया है जहां बिचौलियों को हटाया गया ताकि खेती का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। बिचौलियों के हटने से उपभोक्ताओं को कम और उचित मूल्य मिल रहा है। राज्य बागवानी मिशन छत पर खेती को भी बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है। छत पर खेती हमारे यहाँ एक पुरानी परंपरा है। लोग आम तौर पर छतों पर बागवानी करते रहे हैं। छत पर करने में बैग इजी है ना हैंडल करने के लिए, इसलिए मैं भिंडी चिल्ली गलती है आधा किलो का सब्जी मेरे को मिलता है, लिस्ट 25 रुपए में मिलता है। पॉली बैग में लगे हुए फूल, फल, सब्जियां, मसाले एक तरफ जहां पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनसे आपकी आय में भी इजाफा होता है। शहरी समूहों के लिए सब्जी उत्पादन की पहल के तहत राज्य बागवानी मिशन ने कार्यान्वित समूहों के लिए योजना बनाई। केरल राज्य में 30,000 घरों की छत पर खेती की जा रही है। इस आदर्श नमूने में महिलाओं को अपने घरों की छतों से ही घर के लिए सब्जी मिल जाती है जो कि जैविक है और खाने के लिए सुरक्षित है। एक मौन क्रांति केरल में छतों पर जन्म ले रही है। महिलाएं स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। इस प्रकार राज्य बागवानी मिशन ने छतों पर सब्जियों की जैविक खेती को बढ़ावा देने से महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने में मदद की है। चावल हमारे देश की एक मुख्य फसल है। पूरे देश में धान की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। देश में धान की 50% खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है। मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। दोस्तों, किसानों के लिए बुआई एक अहम काम है, लेकिन अक्सर किसानों को इसमें बहुत समय और श्रम लगाना पड़ता है। पर अब बुआई के लिए नई नई तकनीकें आ गई हैं और इन तकनीकों ने निश्चित रूप से किसानों को बड़ी राहत दी है। चावल हमारे देश की एक मुख्य फसल है। पूरे देश में धान की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है।
देश में धान की 50% खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है, यानी बारानी क्षेत्रों में। वर्षा न होने की स्थिति में किसानों को मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है, और वो धान की सिंचाई के लिए नहरों, ट्यूबवेल आदि के पानी पर निर्भर हो जाते हैं। धान की बुआई अच्छी तरह से तैयार खेत में दो तरीकों से की जाती है, शुष्क सीधी बुआई और गीली सीधी बुआई। वर्षा आधारित निचली भूमियों के अंतर्गत शुष्क सीधी बुआई में उपचारित बीजों को सीड ड्रिल की मदद से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खेत में बुआई की जाती है। शुष्क सीधी बुआई के अनेक लाभ हैं, जैसे कि इसमें श्रम कम लगता है, क्योंकि धान की परंपरागत बुआई में हमें चावल के बीजों को नर्सरी में लगाना और उनकी देखभाल करनी पड़ती है जब तक के वे पल्लवित न हो जाएं। इसके बाद हमें इन अंकुरित पौधों को एक खेत में लगाना पड़ता है। जाहिर है इसमें बहुत अधिक श्रम और समय लगता है। सीधी बुआई में हम इस पूरी प्रक्रिया से बच जाते हैं। इसमें बीजों की बुआई सीधे खेतों में की जाती है। इससे किसानों के समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें बहुत से यंत्रों की भी जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रीय धान गवेषणा केंद्र ने नया तकनीक निकाला है, जिसे सूखी जमीन में सीधा बुआई किया जाता है। इससे क्या फायदा होगा, हमारा 30-40% लेबर कॉस्ट घट जाएगा। उसके साथ साथ जो धान हम लोग रुपाई धान करते थे, उससे ये 10 दिन पहले ये मैच्योर हो जाएगा। किसान इस पद्धति को पसंद करते हैं, क्योंकि इससे खड़ी फसल की स्थापना जल्दी हो जाती है। बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं, मिट्टी की नमी बनी रहती है और पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं। ये पौधे वाष्पीकरण को भी कम कर देते हैं। धान की सीधी बुआई में पानी की भी काफी बचत होती है। गौरतलब है कि धान की परंपरागत बुआई में नर्सरी से पौधे निकालकर खड़े पानी में बोए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पानी का भरपूर इस्तेमाल होता है, जबकि सीधी बुआई में चावल के पौधों को खड़े पानी में बोने की जरूरत नहीं पड़ती। धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इसके द्वारा हम 3000 लीटर से 2200 लीटर प्रति किलो धान पैदा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 600 से 700 लीटर पानी बचा सकते हैं। अगर धान की सीधी बिजाई के साथ हम स्प्रिंकलर का भी उपयोग करें तो हम 3000 लीटर से 1500 लीटर, आप ये देखिए कि हम 50% पानी धान में बचा सकते हैं। धान के अंकुरित बीजों की गीली मिट्टी में सीधी बुआई करने को गीली सीधी बुआई कहा जाता है। धान की बुआई की इस पद्धति के इस्तेमाल से संसाधनों की खासी बचत होती है। इस पद्धति का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और मिट्टी के भीतर के पोषक तत्व बने रहते हैं। गीली मिट्टी में बुआई के बहुत लाभ हैं। इस विधि में नर्सरी उगाने और रोपाई करने की आवश्यकता नहीं होती। खेती के यंत्रों का उपयोग करने से 25% श्रम की बचत होती है। इस विधि में मजदूरों की एक साथ आवश्यकता नहीं होती। यकीनन इससे मजदूरों पर निर्भरता तो कम होगी, यानी लागत में कमी आएगी। इस विधि में धान की फसल 7 से 14 दिन पहले पक कर तैयार हो जाती है। सीधी बुआई वाली फसल की प्रतिरोधात्मक क्षमता ज्यादा होती है, खासकर इसलिए क्योंकि सीधी बुआई मिट्टी के जैविक तत्वों को सही मात्रा में बनाए रखने में मदद करती है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता और पैदावार बेहतर होती है। दोस्तों, अगली कड़ी में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, कृषि के नए पहलुओं के साथ, विकास की नई राहों के साथ। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार। धान यानी चावल संसार की एक प्रमुख खाद्य फसल है। फसल होने के साथ साथ चावल की धार्मिक महत्ता भी बहुत ज्यादा है।